तो बच्चों अरिथमेटिक वाला पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया है। तीन चीजें मैंने कहा था आप लोगों को पढ़ोगे, अरिथमेटिक सीरीज, सबसे पहले अरिथमेटिक सीक्वेंस, फिर अरिथमेटिक मीन, फिर अरिथमेटिक सीक्वेंस, सॉरी अरिथमेटिक सीरीज। तो सीक्वेंस, मीन और सीरीज, ये तीन चीजें आपने पढ़ी है अरिथमेटिक में। यही तीन चीज पढ़ोगे आप ज्योमेट्रिक के अंदर भी, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, ज्योमेट्रिक मीन और ज्योमेट्रिक सीरीज, ये तीन ही चीजें आप लोग पढ़ोगे। और फिर हार्मोनिक के अंदर सीरीज का कॉन्सेप्ट नहीं होता, मीन होता है उसके अंदर बारह। तो बहुत इजी एक्सरसाइज है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, कोई नई चीज नहीं है 4.5 के अंदर। और देखो आपका चैप्टर हंसते खेलते खत्म हो रहा है, कोई ऐसा मुश्किल सवाल या बहुत मुश्किल कॉन्सेप्ट आपने नहीं पढ़ा, और आप चैप्टर के मिड पे आ गए हो। 4.9 तक आपने जाना ना, तो चार एक्सरसाइज हो गई हैं, इसके बाद चार रहती हैं, अभी आप मिड पे हो बिल्कुल। अच्छा जी, तो कॉन्सेप्ट क्या ज्योमेट्रिक का, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है, देख लेते हैं। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस भी बोल सकते हो, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी बोल सकते हो, जिसके शॉर्ट फॉर्म होती है जीपी। अभी क्या होती है, जैसे आपने अरिथमेटिक के अंदर पढ़ा था ना, दो तरीके से आप इसको भी डिफाइन कर सकते हो। सबसे पहली बात कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को अगर आपने बनाना है तो किस तरीके से आप बनाओगे। आपको पहली टर्म चाहिए, पहली टर्म आप कुछ भी ले सकते हो, पॉजिटिव ले लो, नेगेटिव ले लो। ज्योमेट्रिक के अंदर आप जीरो नहीं ले सकते, ये ध्यान में रखना। अरिथमेटिक सीक्वेंस में जीरो आ सकता था, लेकिन ज्योमेट्रिक के अंदर जीरो नहीं आ सकता। हार्मोनिक के अंदर भी जीरो नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के अंदर जीरो, वो थोड़ी देर बाद आपको पता चल जाएगा कि अरिथमेटिक के अंदर तो जीरो आ सकता है, लेकिन ज्योमेट्रिक के अंदर कोई भी टर्म उसकी जीरो नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? खैर, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन अगर आपने बनानी है ना, कोई भी आप टर्म पिक कर लो, कोई पॉजिटिव पिक कर लो या नेगेटिव पिक कर लो फॉर एग्जाम्पल। तो मैं आसानी से फिलहाल इजी केस डिस्कस करते हैं, हम पहली टर्म 3 पिक कर लेते हैं। अरिथमेटिक में आप क्या करते थे कि हर आने वाली टर्म कैसे आती थी, आप प्रीवियस टर्म के अंदर कोई फिक्स नंबर ऐड किया करते थे, ऐड किया करते थे ना। यहां पे आप मल्टीप्लाई किया करोगे ना, कि फॉर एग्जाम्पल 3 के बाद जो दूसरी टर्म होगी वो कैसे आएगी, कि मैं 3 को एक फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा। वो फिक्स नंबर भी नॉन जीरो होना चाहिए, क्योंकि जीरो से मल्टीप्लाई कर दोगे तो खत्म हो जाएगी, क्या कुछ बचेगा ही नहीं उसके अंदर। तो किसी नॉन जीरो नंबर से आपने मल्टीप्लाई करना है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है। हम इजी केस डिस्कस करते हैं, किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 को आप फॉर एग्जाम्पल 4 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आंसर आएगा। इसी तरह अब जो 12 के बाद जो टर्म्स आएगी वो कैसे आएगी, कि आप 12 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 12 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 48 आता है। अगेन इसके बाद जो टर्म आएगी वो कैसे आएगी, 48 को आप 4 से मल्टीप्लाई करो, तो 48 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 192। और इस तरह पैटर्न आपका चलता जाएगा। हर आने वाली टर्म कैसे आ रही है, कि आप प्रीवियस टर्म को एक फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये जो पैटर्न, ये जो रूल आपको किसी भी सीक्वेंस के अंदर नजर आए, उसको आप बोलोगे ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। इस तरीके से आप ज्योमेट्रिक सीक्वेंस को बनाते हो। अब ज्योमेट्रिक सीक्वेंस आपकी आ गई ना, अब इसको आप दूसरे एंगल से भी समझ सकते हो या चेक कर सकते हो कि ज्योमेट्रिक है या नहीं। जैसे अरिथमेटिक को चेक करने के लिए आप क्या करते थे, दो टर्म्स के दरमियान डिफरेंस निकालते थे, क्योंकि एडिशन का ऑपोजिट क्या होता है, सब्ट्रैक्शन। इसी तरह यहां पे क्या करोगे, दो टर्म्स का डिवीजन निकालोगे आप, डिवाइड करके देखोगे, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन का अपोजिट क्या होता है, डिवीजन। तो आप क्या करोगे, दो टर्म्स को डिवाइड करोगे और आपके पास हमेशा फिक्स नंबर आएगा। ज्योमेट्रिक के अंदर यही होगा, आप दो टर्म को डिवाइड करोगे हमेशा फिक्स नंबर आएगा, और डिवाइड करने का ऑर्डर वही होगा, बाद वाली टर्म डिवाइडेड बाय पहले वाली टर्म। तो फॉर एग्जाम्पल आप 12 और 3 को पिक करो, इनको डिवाइड करो तो आंसर क्या आ रहा है, बराबर। आप 48 और 12 को पिक करो, 48 को डिवाइड करो 12 से, आंसर आएगा 4। इसी तरीके से 192 और 48 को पिक करो, आप डिवाइड करोगे, आंसर आएगा। तो अगर आपने चेक करना है कि कोई सीक्वेंस ज्योमेट्रिक है या नहीं, तो आप क्या करोगे, कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म पिक करोगे, उनको डिवाइड करोगे, और डिवीजन का ऑर्डर क्या होगा, बाद वाली टर्म डिवाइडेड बाय पहले वाली टर्म। और अगर उनका जो रेशियो है या जो डिवाइड करने के बाद आंसर आ रहा है वो सबका सेम आ रहा है, इसका मतलब वो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। दैट्स वाई इसको बोला जाता है कॉमन रेशियो। जैसे कॉमन डिफरेंस था ना एपी के अंदर, डिफरेंस सेम था तो आप कॉमन बोला करते थे, यहाँ पे रेशियो सेम है ना तो कॉमन रेशियो का वर्ड यूज किया जाता है। ये कॉन्सेप्ट होता है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। तो दोनों तरीके से आप ज्योमेट्रिक सीक्वेंस को डिफाइन कर सकते हो, मल्टीप्लाई वाला कॉन्सेप्ट भी बता दिया और डिवीजन वाला भी बता दिया। अब आप देख लो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, जैसे आपने अरिथमेटिक की स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी थी, इसकी भी जरा पढ़ लो। अगेन आप स्टार्ट करोगे ए से, फर्स्ट टर्म आप ए पिक करते हो, फर्स्ट टर्म आपकी ए है। अब ज्योमेट्रिक आप कैसे बनाते हो, हर आने वाली टर्म कैसे आती है, आप फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई करते हो। जैसे अरिथमेटिक में उस फिक्स नंबर को आप डी कंसिडर किया करते थे, डी फॉर डिफरेंस, यहाँ पे आप आर कंसिडर करोगे, आर फॉर रेशो, ठीक है।
तो आप क्या करोगे, इस वाली टर्म को आर से मल्टीप्लाई करो, तो क्या हो जाएगा, ए आर। ए को मैंने आर से मल्टीप्लाई किया तो ए आर हो जाएगा। फिर इसके बाद वाली टर्म कैसे आएगी, मैं इसको आर से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगी ए आर स्क्वायर। फिर इसके बाद वाली टर्म कैसे आएगी, मैं अगेन इसको आर से मल्टीप्लाई करूंगा, और इस तरह चलता जाएगा। हर आने वाली टर्म कैसे आ रही है, प्रीवियस टर्म को आप एक आर से, फिक्स नंबर जो है आर, उससे मल्टीप्लाई करते जाओ, ठीक है। अब रही बात इसकी जनरल टर्म क्या होगी, जनरल टर्म बनाने का बहुत आसान तरीका है। आप देखो सब टर्म्स में ए आर है, मतलब जो जनरल टर्म है उसमें भी ए आएगा। उसके बाद अगर आप देखो सब टर्म में आर भी आ रहा है, सब टर्म में आर मौजूद, इसमें नजर नहीं आ रहा आपको, है तो ना, इसको आप इस तरह लिख सकते हो ए आर की पावर जीरो। किसी भी नंबर की पावर जीरो हो तो आंसर वन होता है, जीरो की पावर जीरो ना हो वो फिर अलग चीज बन जाएगी, वरना जीरो के अलावा कोई भी नंबर है उसकी पावर अगर जीरो हो तो आंसर वन आता है। तो आर की पावर जीरो मतलब वन, आप ए को इस फॉर्म में लिख सकते हो। तो आप ऑब्जर्व करो हर टर्म में आर आ रहा है, तो आप यहाँ पे आर लिख दो, लेकिन पावर डिफरेंट है। जैसे ए की पावर तो सेम ही है ना, ए की पावर वन है हर टर्म में, लेकिन आर की पावर सेम नहीं है, हर टर्म में आर की पावर अलग है। तो अब आप जनरल टर्म में आर की पावर क्या लिखोगे, उस पे आ जाते हैं। अगर आप ऑब्जर्व करो, ये पहली टर्म है, जो पहली टर्म है उसमें आर की पावर क्या है, जीरो। जो दूसरी टर्म है उसमें आर की पावर क्या है, वन। जो तीसरी टर्म है उसमें आर की पावर क्या है, टू। जो चौथी टर्म है उसमें आर की पावर है, थ्री। आप ऑब्जर्व कर रहे हो जो भी टर्म है ना उससे एक कम आर की पावर है। फॉर एग्जाम्पल मुझे बताओ, अगर मैं इस सीक्वेंस को आगे बढ़ाता जाऊं तो जो इसकी दसवीं टर्म होगी वो क्या होगी, टेंथ टर्म, ए आर पावर नाइन। एक्सीलेंट भाई, ए तो फिक्स है, जबकि दसवीं टर्म में आर की पावर क्या होगी, कम होगी, मतलब नाइन होगी। यही चीज आपने जनरल फॉर्म में भी लिखना, जनरल फॉर्म को आप क्या कहते हो, एनएथ टर्म। एनएथ टर्म का मतलब होता है कि एन टर्म, एन क्या होंगे, एन टेन भी हो सकता है, एन ट्वेंटी भी हो सकता है, जनरलाइज लैंग्वेज में आप एन बोलते हो ना। तो जो इसकी एनएथ टर्म है उसमें आर की पावर क्या होगी, एक कम होगी, जिसको आप क्या लिखोगे, एन माइनस वन। तो दैट्स वाई इस टर्म को आप बोलते हो एनएथ टर्म। जैसे nth टर्म n की वैल्यू आप 10 पिक कर लो, तो 10th टर्म में r की पावर क्या होगी, 10 माइनस वन मतलब 9 होगी। 20 टर्म में r की पावर क्या होगी, 20 माइनस वन 19 होगी। इसको आप कहते हो nth टर्म, आप इसको जनरल टर्म भी कह सकते हो, ठीक है। तो अभी तक आप लोगों ने क्या पढ़ा है, इसको आप कहते हो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ जीपी, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ जीपी। क्या स्टैंडर्ड फॉर्म है, ए ए आर, फिर ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, और जनरल टर्म यहाँ पे क्या होती है, ए आर की पावर एन माइनस वन। तो बस यही टॉपिक है, इसके अलावा तो कुछ नहीं है ना 4.5 के लिए, हाँ बस फॉर्मूला पता होना चाहिए, हाँ बाकी कोई खास चीज नहीं है इसके लिए। तो अब आ जाओ एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज में क्या लिखा हुआ है, एक्सरसाइज 4.5 का पहला क्वेश्चन है, फाइंड द इंडिकेटेड टर्म ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग जीपी। इंडिकेटेड का मतलब जो टर्म आपको मालूम करने को बोला हुआ ना वो यहाँ पे मालूम करो। अब ये प्रैक्टिस के लिए यूज होता है वैसे तो, पार्ट नंबर टू या पार्ट नंबर थ्री आप लोग ट्राई कर लो, कोई भी पार्ट नंबर फोर भी ट्राई कर सकते हो, वो बच्चों वाला सवाल है, वो तो आप लोग देख लेना। चलो वो मैं बता देता हूँ, वो शायद मसला कर दें, एक सेकेंड। मेथड यही रहेगा, बाकी सवालों पर भी आप इंप्लीमेंट कर लेना। क्वेश्चन नंबर वन का पार्ट फोर में करवा रहा हूँ, जीपी देखो ये लिखी हुई है और आपको बोला हुआ है इसकी 16th टर्म निकालो, पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, इस तरह आपको 16वीं टर्म निकालनी है। यहाँ पे मैंने बताया था सीक्वेंस एक ऐसा फंक्शन है जिसमें आप पुट करते हो नेचुरल नंबर, n की वैल्यू 1 2 3 पुट करते हो, और आंसर में आपको रियल भी मिल सकता है, कॉम्प्लेक्स भी मिल सकता है। इसको कॉम्प्लेक्स ही बोलोगे ना, इमेजिनरी है, इमेजिनरी भी कॉम्प्लेक्स ही होता है ना। तो कहने का मतलब सीक्वेंस की टर्म कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है, ये भी ध्यान में रखो, जरूरी नहीं कि हर दफा रियल होंगी, कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है, ठीक है। तरीका फॉर्मूला उसमें कोई फर्क नहीं है, लेकिन टर्म्स कॉम्प्लेक्स हो सकती हैं। आप इस पे कॉम्प्लेक्स नंबर में जो चीजें पढ़ी थी ना वो रूल यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। सबसे पहली चीज आप यहाँ पे कॉमन डिफरेंस निकालोगे, और जरा सॉरी कॉमन रेशियो निकालोगे। आप पहले चेक तो करो क्या ये ज्योमेट्रिक है भी या नहीं, पेपर में तो बोला नहीं जाएगा ना आपको जीपीए, पेपर में तो सीक्वेंस दी जाएगी। तो चेक करने का तरीका क्या, आप रेशियो निकालोगे, यहाँ पे रेशियो को आप आर से रिप्रेजेंट करते हो। तो सबसे पहले इन दो टर्म का निकालो, रेशियो क्या आएगा, वन अपॉन आयोटा। अच्छा नॉर्मल कोई स्टूडेंट है तो वो तो कहेगा वन अपॉन आयोटा का आंसर यही है, वन अपॉन आयोटा ही होता है। लेकिन जो प्रॉपर स्टूडेंट है ना उसको मैंने कॉन्सेप्ट दिए थे चैप्टर नंबर वन के अंदर,
मैंने बोला था आयोटा को मल्टीप्लाई डिवाइड एड कुछ भी जब आप करते हो ना तो नॉर्मली आपके चार आंसर आते हैं, या तो आयोटा आ जाएगा या माइनस आयोटा आएगा या वन आएगा या माइनस वन आएगा, ये चार आंसर आपको मिल रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आयोटा को आप ऐड कर दो आपस में, या आयोटा की कोई पावर आपने कर दी है, ज्यादातर जब आयोटा की पावर करते थे तो यही आंसर आया करते। इसी तरह जो वन अपॉन आयोटा है ना उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो आप। कैसे सिंप्लीफाई करोगे? वन अपॉन आयोटा को आप माइनस आयोटा भी लिख सकते हो। कैसे? वन अपॉन आयोटा को आप आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे ऊपर आयोटा आ जाएगा नीचे आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, और आयोटा स्क्वायर क्या होता है? माइनस वन के बराबर। तो माइनस नीचे लिखो या ऊपर लिखो बात एक ही है, तो वन अपॉन आयोटा किसके बराबर होता है? माइनस आयोटा के बराबर होता है। ठीक है, तो इन दो टर्म्स के दरमियान रेशो क्या आया है? माइनस आयोटा आया। इसी तरह आप इन दो टर्म्स के दरमियान निकालो, इन दो टर्म्स के दरमियान भी रेशो क्या है? माइनस आयोटा अपॉन वन, मतलब सिंपल माइनस आयोटा। तो अगर आप ये वाला काम ना करते ना, वन अपॉन आयोटा तक छोड़ देते, तो आपको लगता वन अपॉन आयोटा और माइनस आयोटा अलग अलग है। देखिए मैंने आप लोगों को प्रूफ करके दिखाया कि एक ही है, फर्क नहीं है इसमें। उसका मतलब रेशो जो है वो यहाँ पे सेम है, इसका मतलब जीपी है। जैसे ही आपके पता चल जाए तो अब आपके लिए मुश्किलात नहीं है। जब आपको पता चल जाए जीपी है, अब आप जरा सॉल्यूशन स्टार्ट करो। सॉल्यूशन क्या करोगे भाई? ए यहाँ पे है आयोटा, कॉमन रेशो तो आपको पता है, और एन यहाँ पे 16 है, मतलब आपको 16वीं टर्म यहाँ पे निकाल ली है। चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो निकालना आपको क्या है, ए 16। ए 16 भी लिख सकते हो, टी 16 भी लिख सकते हो, बुक ने वो ए वाली नोटेशन यूज की होगी ना यहाँ पे भी, हाँ ए एन वाली यूज की हुई, तो आप लोग भी ए वाली यूज कर लो। खैर जनरल टर्म फॉर्मूला क्या होता है? ए आर की पावर एन माइनस वन। ए की वैल्यू पुट करो, ए यहाँ पे आयोटा है, आर की वैल्यू पुट करो, आर यहाँ पे माइनस आयोटा है, ये जनरल टर्म है। मैंने एपी के अंदर भी बोला था कि बेहतर है जनरल टर्म पहले निकाल लिया करो, उसके बाद जो भी नंबर ऑफ टर्म आपको बोला जाए वो पुट कर दो। जैसे काइंड ऑफ जनरल टर्म आ गई है, मजीद इसको सिंप्लीफाई ना करो, अभी इतने ही रहने दो। और जो भी टर्म आपको निकालनी है वो एन की वैल्यू पुट कर दो। तो आपको 16वीं टर्म निकालनी है तो आप एन की जगह 16 पुट कर दो। तो आयोटा मल्टीप्लाई माइनस आयोटा की पावर 16 माइनस वन। 16 माइनस वन क्या होता है? 15। अब देखो ये वही कॉन्सेप्ट है चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था कि माइनस आयोटा की पावर 15 आपने निकालना है। कैसे निकालोगे? सबसे पहले माइनस की पावर 15 माइनस होता है, तो इस माइनस को मैं बाहर लिख लेता हूँ, पीछे बचेगा आयोटा की पावर 15। मतलब माइनस की पावर 15 माइनस होता है ना, दो मैंने साइड पे लिख दिया, ये वाला आयोटा अपनी जगह पे है और यहाँ पे क्या है? आयोटा की पावर 15। आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा की पावर 15, ये हो जाएगा आयोटा की पावर 16। बेसिस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, और आयोटा की पावर 16 क्या होता है? सिंपल 1 के बराबर होता है, क्योंकि मैंने आप लोगों को चैप्टर 1 में कॉन्सेप्ट दिया था कि जब भी आयोटा की पावर में आपको कोई 4 का मल्टीपल नजर आए तो आंसर 1 होगा। तो 16 4 के टेबल में आता है ना, 4 4 का 16 होता है, तो इस पूरी चीज का आंसर 1 होगा। माइनस को अपनी जगह पे लिख दो, तो उसका मतलब जो 16वीं टर्म है वो यहाँ पे क्या है? माइनस वन है। इस तरीके से आप देखो ये पूरी सीक्वेंस चल रही है, मतलब आयोटा 1 माइनस आयोटा, फिर होगा क्या कहते हैं माइनस वन, माइनस वन को आप, हाँ इसके बाद माइनस वन आएगा, फिर उसके बाद आएगा आयोटा आएगा, देख लो ना, मतलब आप सिंपल माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करते जा रहे हो ना। इसको माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो आंसर 1 आया, इसको माइनस आयोटा से किया तो यह आया, फिर इसको माइनस आयोटा से करोगे तो माइनस 1 आएगा, उसको माइनस आयोटा से करोगे माइनस आयोटा आएगा, आई गेस या आयोटा आ जाएगा सर। तो खैर करते करते जो 16वीं टर्म है वो यहाँ पे क्या हो जाएगी? माइनस 1 के बराबर हो जाएगी। इसी तरीके से बाकी पार्ट भी आपने करने, क्वेश्चन नंबर 1 के बाकी पार्ट में आपको फर्स्ट टर्म दी हुई है, रेशो गिवन है, और जो भी नंबर ऑफ टर्म आपको बोला जाए वो आप निकाल लोगे। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोला हुआ है जीपी की फर्स्ट टर्म आपको दे दी है कि फर्स्ट टर्म है यहाँ पे 5/9। अच्छा जीपी की आपको छठी टर्म दे दी है यहाँ पे 15625 डिवाइडेड बाय 9, और बोला हुआ है कि आप एनएस टर्म निकालो। एनएस टर्म का मतलब ए एन आप निकालो। कैसे निकालेंगे भाई? सिंपल सी बात है, फर्स्ट टर्म तो आपको पता है। एनएस टर्म फॉर्मूले में ना अगर आप देखो तो 3 चीजें आती हैं, ए आर और एन। तो एनएस टर्म में एन तो एन ही रहता है ना, एन क्योंकि जनरलाइज बोली हुई एनएस टर्म बोली हुई है, तो नहीं बोला कि 10वीं टर्म निकालो 20वीं टर्म निकालो, तो उसमें एन जो है वो एन ही रहेगा। तो दो चीजें और बचेंगी फिर, ए और आर। जैसे ही आपके पास ए और आर आ जाए आप जनरल टर्म या एनएस टर्म का फॉर्मूला बना सकते हो। अब ए मतलब फर्स्ट टर्म, ए वन का मतलब फर्स्ट टर्म है ना, मतलब ए आपको गिवन है यहाँ पे 5/9। आपको यहाँ पे आर निकालना है। आर कैसे निकालोगे? इस कंडीशन को इस्तेमाल करके आप आर की वैल्यू यहाँ पे निकालोगे। कैसे? सर ऑब्जर्व करो,
सबसे पहले जनरल टर्म का फॉर्मूला मेंशन कर दो, ए आर की पावर एन माइनस वन, जरा वैल्यू पुट करो। आपको छठी टर्म दी हुई है ना, तो आप एन की जगह, इसको पहले वन बोल देते ना मैं, एन की जगह सिक्स पुट कर दो। फर्स्ट टर्म आपको पता है, फर्स्ट टर्म अगर उन्होंने ए वन यूज किया, मैं भी ए वन यूज कर सकता हूँ, कोई नॉर्मली ए आप यूज करते हो फर्स्ट टर्म के लिए, कोई मसला नहीं है। तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे आप पुट कर दो, फर्स्ट टर्म क्या है 5/9, कॉमन रेशियो आपको नहीं पता तो आप आर ही रहने दो, एन माइनस वन, एन यहाँ पे क्या है 6, 6 - 1 हो जाएगा। तो छठी टर्म मतलब एन की जगह अगर आप 6 पुट करोगे ना जनरल फॉर्मूले में, तो यहाँ पे भी 6 आ जाएगा, यहाँ पे भी 6 आ जाएगा। अच्छा, फर्स्ट टर्म मतलब ए जो है वो आपको सवाल में दिया हुआ है 5/9, आर आपको नहीं पता, वही आपने निकालना है। ठीक, सवाल में छठी टर्म किसके बराबर है, 15625/9 के बराबर है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 5r की पावर 5/9, 6 - 1 5 होते ना, तो 9 से तो 9 कैंसिल हो गया, क्या बचेगा, इस 5 को डिवाइड करवा दो जाके, 5 को डिवाइड करवाओगे तो ये हो जाएगा 3125, तो r की पावर 5 बराबर होगा 3125 का, और आई गेस 3125 5 की पावर 5 होती है आई गेस। हाँ, तो आप r की वैल्यू कैसे निकालोगे, दोनों तरफ आप क्यूब रूट ले लोगे, क्यूब रूट का मतलब होता है पावर 1/ सॉरी क्यूब रूट कह रहा हूँ, फिफ्थ रूट ले लोगे, आपको r की वैल्यू निकालनी है तो आप दोनों तरफ पावर 1/5 ले लो, यहाँ पे भी 1/5, यहाँ पे 1/5, तो यहाँ पे तो सिंपल r बच जाएगा, इधर क्या होगा 3125, कैलकुलेटर में भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, लेकिन बेसिक सी मैथ आपको बता रहा हूँ कि 3125 को आप लिख सकते हो 5 की पावर 5, 3125 5 की पावर 5 होता है, जब इसका आप फिफ्थ रूट लोगे ना तो ये कैंसिल हो जाएगा, आर की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पे 5 आ जाएगी। जैसे ही आपके पास आर आ गया, अब जनरल टर्म का फॉर्मूला निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, तो कंसीडर करो 1 को, और जनरल टर्म का फॉर्मूला कैसे निकालोगे, फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है 5/9, आर क्या है यहाँ पे 5, और एन एच टर्म के फॉर्मूले में एन एन ही रहता है, ये आपके पास जनरल टर्म का फॉर्मूला आ गया। बस आपको ए और आर पता होना चाहिए था, वो पता चल गया आपको, तो जनरल टर्म का फॉर्मूला आप लिख सकते हो। अब फॉर एग्जाम्पल सवाल में आपको बोलते हैं कि फॉर एग्जाम्पल 10वीं टर्म निकालो, तो आप यहाँ पे एन की जगह 10 पुट करते हैं, 10वीं टर्म आ जाती, तो कोई भी टर्म आपको बोलते हैं आप आसानी से निकाल सकते हैं, बहुत छोटे छोटे सवाल हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना, उसको करने की भी जरूरत नहीं है, वो एमसीक्यू लेवल पे आ जाएगा, क्वेश्चन लेवल का नहीं है, 4 नंबर लेवल का क्वेश्चन नहीं है वो। क्वेश्चन नंबर 4 को देख लो पहले, 4 में लिखा हुआ क्या है, लिखा हुआ है शो दैट, शो करो मतलब प्रूफ करो कि रेसिप्रोकल ऑफ द टर्म्स ऑफ द जीपी फॉर्म्स अनदर जीपी। याद रखो ज्योमेट्रिक की ये बस प्रॉपर्टी है, ना अरिथमेटिक की है, ना हार्मोनिक की है, कि कोई भी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस को अगर आप रेसिप्रोकल कर दो ना उसके हर टर्म को, तो तब भी आपके पास ज्योमेट्रिक ही बनती है वो। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, फॉर एग्जांपल आपके पास लिखा हुआ है 2, 4, 8, 16, 32, ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है जिसमें कॉमन रेशियो 2 के बराबर है, आप क्या करो आप इसको रेसिप्रोकल कर दो, ये हो जाएगा 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, आप देखो ये भी जीपी है, रेसिप्रोकल करने के बाद भी जीपी है, कॉमन रेशियो निकाल के देख लो, आप इन दोनों चीजों को डिवाइड करो, 1/4 / 1/2, 2 1 = 2, 2 2 = 4, देखना आंसर 1/2 आ रहा होगा, आप इन दो को डिवाइड करके देखो तब भी आंसर 1/2, इसको देखो तब भी आंसर 1/2, तो ज्योमेट्रिक वाहिद ऐसी सीक्वेंस है जब आप इसके टर्म को रेसिप्रोकल करते हो ना, तो रेसिप्रोकल भी ज्योमेट्रिक के अंदर ही होता है, ये बाकियों के अंदर नहीं है, अरिथमेटिक के अंदर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ये एक अरिथमेटिक है, आप इसको रेसिप्रोकल करो, आप देखो अब इसकी जो टर्म्स है ना उनके दरमियान डिफरेंस सेम नहीं है, निकाल के देख लेना, इन दो के दरमियान डिफरेंस अलग होगा, इनके दरमियान अलग होगा, तो अरिथमेटिक हो गया या हार्मोनिक हो गया, उनको जब आप रेसिप्रोकल करते हो ना तो फिर वो अरिथमेटिक के अंदर नहीं होंगी या हार्मोनिक के अंदर नहीं होंगी, क्योंकि ज्योमेट्रिक की प्रॉपर्टी है रेसिप्रोकल करने के बाद भी वो जीपी के अंदर होती है, अगर इसका कॉमन रेशियो 2 है तो रेसिप्रोकल करने के बाद जो जीपी आएगी उसका कॉमन रेशियो 1/2 होगा, लेकिन होगी वो जीपी, ये कंफर्म है, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। यही आपसे बोला हुआ है कि सवाल में जो जीपी गिवन है ना उसमें ये बात प्रूफ करो, सवाल में क्या जीपी गिवन है, a1 r² a1 r4, इस जीपी का जो कॉमन रेशियो है वो आर स्क्वायर के बराबर है, तो इसको आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें ये आर है, इसको आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें ये आर है, तो ये आपको जीपी गिवन है, आपको प्रूफ करना है कि यार इसका रेसिप्रोकल भी जीपी के अंदर है। कैसे प्रूफ करोगे, सबसे पहले इसका कॉमन रेशो निकाल लो, कॉमन रेशो क्या होगा, दो टर्म्स को डिवाइड करो, a1 r² / a1, तो आंसर आ रहा है r²
इस जीपी का कॉमन रेशो आर स्क्वायर के बराबर है। जरा दोबारा चेक करके देख लेते हैं, इन दो को डिवाइड करो, ए वन आर फोर डिवाइडेड बाई ए वन आर स्क्वायर, अभी भी आर स्क्वायर आ रहा है। इसका मतलब ये एक ज्योमेट्रिक है जिसका कॉमन रेशो आर स्क्वायर के बराबर है। आप इसको रेसिप्रोकल करो, रेसिप्रोकल जब इसको करोगे ना तो ये क्या हो जाएगा, वन अपॉन ए वन, वन अपॉन ए वन का आर स्क्वायर, वन अपॉन ए वन आर फोर, इस तरह बन जाएगी। अब आप कॉमन रेशो निकालो, कॉमन रेशो क्या होगा, आप इन दो को डिवाइड करो, तो वन अपॉन ए वन आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय वन अपॉन, आगे लिख देते यहां लिख देते, तो इन दो टर्म का रेशो निकालो, अपॉन ए वन आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय वन अपॉन ए वन। देखो ए वन से ए वन कैंसिल, ऊपर बचेगा वन अपॉन आर स्क्वायर। तो शुरू दो टर्म का अगर आप रेशो निकालो तो आंसर क्या आ रहा है, वन अपॉन आर स्क्वायर। इसी तरह इन दो का रेशो निकालो, वन अपॉन ए वन आर फोर डिवाइडेड बाय वन अपॉन ए वन आर स्क्वायर। अगेन वही, ए वन से ए वन कैंसिल, आर स्क्वायर से कैंसिल, दोबारा वन अपॉन आर स्क्वायर आ रहा है। तो ऑब्जर्व कर लो रेशो सेम है, वन अपॉन आर स्क्वायर। इसका मतलब जब आपने रेसिप्रोकल किया इसको तो रेसिप्रोकल भी किसके अंदर है, ज्योमेट्रिक के अंदर, क्योंकि रेशो सेम है, उसका मतलब ज्योमेट्रिक है। तो हमने लिखते हैं हेंस रेसिप्रोकल ऑफ दिस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस इज ऑल्सो इन ज्योमेट्रिक सीक्वेंस या ऑल्सो इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, आप इस तरह लिखते हो। ये वही बात है कि इसका रेशो आर स्क्वायर था, तो रेसिप्रोकल करने के बाद रेशो क्या हो गया, वन अपॉन आर स्क्वायर। जैसे आपने यहाँ पे पढ़ा था इसका रेशो टू था, रेसिप्रोकल करने के बाद रेशो क्या हो गया, वन अपॉन टू हो गया। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर थ्री में आपको जनरल टर्म निकालनी है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की, आपको पांचवी और तीसरी टर्म का रेशो गिवन है और आपको ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की दूसरी टर्म पता है। इस चीज को इस्तेमाल करके आपने यहाँ पे जनरल टर्म निकालनी है। अब जनरल टर्म में दो चीजें होती हैं जो आपको निकालनी है, एक फर्स्ट टर्म और एक कॉमन रेशो। ये दो चीजें अगर आपके पास आ गई तो आप ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की जनरल टर्म निकाल सकते हो। भी कैसे निकालोगे देखते हैं जरा। सबसे पहले आप जनरल टर्म क्या होती है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की, ए आर एन माइनस वन, ये जनरल टर्म है। अब आप जो सवाल में गिवन है ना उसके मुताबिक आप चलो। सबसे पहले पांचवी टर्म का जिक्र किया गया है और तीसरी टर्म का जिक्र किया गया है और दूसरी का किया है, तो आप क्या करो, सबसे पहले तीनों निकाल लो। आगे ए टू मतलब एन की जगह पे टू पुट करो, ये हो जाएगा ए आर और यहाँ पे एन की जगह टू पुट कर दो, ठीक है। दूसरी टर्म सवाल में गिवन है फोर अपॉन नाइन है और इसको सिंप्लीफाई करो तो क्या हो जाएगा, ए आर हो जाएगा। इसको आप इक्वेशन नंबर वन कह दो क्योंकि इसका खास काम नहीं है, ना आपको ए पता है ना आपको आर पता है, तो आप निकाल नहीं सकते, तो फिलहाल इक्वेशन नंबर वन कह देते हैं। फिर आप ए थ्री यहाँ पे निकालो, ए थ्री कैसे निकालोगे, एन की जगह पे आपने थ्री पुट करना है। तीसरी टर्म आपको नहीं पता, बस आप इतना लिख दो कि तीसरी टर्म जो है वो बराबर होती है ए आर स्क्वायर। क्या आपको नहीं पता तीसरी टर्म क्या है। इसी तरह पांचवी टर्म निकालते हैं, पांचवी टर्म में क्या होगा, एन की जगह पे फाइव पुट करोगे और ये आपके पास पांचवी टर्म आ जाएगी ए आर की पावर फोर। अगर आप लोग याद हो कल आपने जनरल फॉर्म पढ़ी थी, स्टैंडर्ड फॉर्म जिसको आप बोलते हो, उसमें पहली टर्म क्या होती थी ए, फिर सेकेंड टर्म होती थी ए आर, फिर ए आर स्क्वायर, फिर ए आर क्यूब, फिर ए आर फोर। तो पांचवी टर्म ए आर फोर होती है, जो तीसरी टर्म होती है वो ए आर स्क्वायर होती है, जो दूसरी टर्म है वो ए आर है। तो दूसरी टर्म तो आपको गिवन थी, दैट्स व्हाई आपने एक इक्वेशन बना ली थी, लेकिन इन दोनों के बारे में आपको नहीं पता, इनके बारे में बस आपको रेशो पता है। तो अब आप क्या करो, डिवाइड कर दो आपको। अगर आप नाम देना चाहो तो सिंपल आप कह सकते हो इसको वन बोल देते हैं, इसको टू बोल देते हैं। आप सिंपल लिखो डिवाइड टू बाय वन, आप सिंपल इनको डिवाइड करो। डिवाइड करने के बाद क्या होगा, पांचवी टर्म है ए फाइव डिवाइडेड बाय जो इक्वेशन माना वो ए थ्री है। इसी तरीके से पांचवी टर्म किसके बराबर है, ए आर की पावर फोर, और जो तीसरी टर्म है वो बराबर है ए आर स्क्वायर। अच्छा, ए फाइव अपॉन ए थ्री, ये रेशो आपको सवाल में गिवन है फोर अपॉन नाइन के बराबर है। दोनों फोर अपॉन नाइन के बराबर है क्या, चलो लेकिन आर को विस्तृत करेगा जब दो कंसेक्यूटिव टर्म हो, उनको जब डिवाइड करते हो तब वो आर के बराबर होता है, कंसेक्यूटिव टर्म नहीं है। हाँ, अगर ये चीज होती ना,
अब तुम कह सकते थे कि आर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फिर तो मसला ही नहीं होता ना। दो टर्म का रेशो होता, जो सवाल में गिवन होता मैं इसको आर ले लेता, क्योंकि दो कंसेक्यूटिव टर्म का रेशो आर के बराबर होता है। तो अगर सवाल में ये चीज गिवन होती तो मेरे पास डायरेक्ट आर की वैल्यू आ जाती, जो सवाल में लिखा होता मैं कहता वो आर है, और अगर डायरेक्ट मुझे आर पता होता मैं इसी इक्वेशन से ए निकाल लेता और मेरे पास जनरल टर्म आ जाती। तो ये रेशो किसी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। अच्छा, उसके बाद हाँ, ए फाइव अपॉन ए थ्री की आर वैल्यू पुट कर दी, इसको सिंप्लीफाई कर दो, ये कैंसिल कर दो, आर फोर अपॉन आर स्क्वायर या आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। आपको चाहिए आर की वैल्यू, आप स्क्वायर रूट लो, जब आप स्क्वायर रूट लेते हो तो प्लस माइनस आता है, फोर का स्क्वायर रूट टू, नाइन का स्क्वायर रूट थ्री, दोनों आर की वैल्यू आप कंसीडर करोगे, क्योंकि आर पॉजिटिव भी हो सकता है आर नेगेटिव भी हो सकता है, तो दोनों वैल्यू आपने कंसीडर करेंगे। आपके पास आर आ गया तो कोई मसला नहीं है। आर के बाद आपको क्या निकालना था, ए निकालना था जनरल टर्म निकालने के लिए, सेकंड मक्खी आई गया। तो ए कैसे निकालोगे, इक्वेशन वन का इस्तेमाल करो आप, इक्वेशन वन के अंदर आर की वैल्यू पुट कर दो। मैं इक्वेशन वन को कंसीडर करूंगा, इक्वेशन वन है ए आर इज इक्वल टू फोर अपॉन नाइन, चाहो तो आप दोनों आर की वैल्यू को अलग अलग पुट करके ए की वैल्यू निकालो, मतलब आप एक साथ भी कर सकते हो, क्या ऐसा मसला नहीं है इसमें। आप इस तरह पुट कर दो, आर की जगह पुट करो प्लस माइनस टू अपॉन थ्री, ठीक है। आपको पता है ये टू अपॉन थ्री, ये जो टू है वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, या इसको इस तरह भी कैंसिल कर सकते हो ना, टू वन जा टू, टू टू जा फोर, थ्री वन जा थ्री, थ्री थ्री जा नाइन, तो कहने का मतलब वहां पे टू अपॉन थ्री बन जाएगा और इस प्लस माइनस को वहां पे शिफ्ट करवा दूंगा, तो ये हो जाएगा ए इज इक्वल टू प्लस माइनस टू अपॉन थ्री। एक साथ भी आप सॉल्व कर सकते हो और अलग अलग भी सॉल्व कर सकते हो। अगर आप पॉजिटिव टू अपॉन थ्री पुट करोगे और सॉल्व करोगे तो ए की पॉजिटिव वैल्यू आ रही होगी, और अगर आप नेगेटिव टू अपॉन थ्री पुट करोगे तो ए की नेगेटिव वैल्यू आ रही होगी। तो एक साथ भी सॉल्व कर सकते हो, अलग अलग भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो कहने का मतलब आपके पास एक एक दो ए की वैल्यूज आई हैं, दो आर की वैल्यूज आई हैं। अब वक्त आ गया कि आप यहाँ पे जनरल टर्म निकालो, और जनरल टर्म भी दो आएंगे यहाँ पे डेफिनेटली। तो जनरल टर्म क्या होगी, सबसे पहली जनरल टर्म क्या होगी, यहाँ पे ए और आर की वैल्यू पुट कर दो, व्हेन ए इज इक्वल टू टू अपॉन थ्री, आर इज इक्वल टू टू अपॉन थ्री। तो जनरल टर्म आपकी क्या होगी, ये ए की वैल्यू है, ये आर की वैल्यू है, एन माइनस वन, ये आपने ए और आर यहाँ पे पुट कर दी, ठीक है। अब आप चाहो तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, ये चीज पूरी इसके बराबर हो सकती है। कैसे पता चला मुझे, भाई सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अल्जेब्रा में आपने सीखा था जब बेसिस सेम है तो पावर जेड होती है, इसकी बेस टू अपॉन थ्री, इसकी बेस टू अपॉन थ्री, अगर आप देखो इसकी पावर वन है यहाँ पे, यही कॉन्सेप्ट है ना। तो बेसिस सेम से पावर को एड कर दो, एन माइनस वन और वन आपस में एड होगा, वन से माइनस वन कैंसिल, जस्ट एन बच जाएगा। तो सिंप्लीफाई करके ये आपके पास आंसर आ रहा है। इसी तरीके से अब आप जब आपने यहां पे आर की नेगेटिव वैल्यू पुट की थी तो ए की भी नेगेटिव वैल्यू आएगी, तो जब ए नेगेटिव था आर भी नेगेटिव था, अब ये वैल्यू तो आप पुट कर दो, तो अब जनरल टर्म क्या होगी, माइनस टू अपॉन थ्री, माइनस टू अपॉन थ्री की पावर एन माइनस वन, सही। अगेन वही बेसिस दोनों की सेम है, पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी और यहां पे जनरल टर्म का फॉर्मूला आ जाएगा माइनस टू अपॉन थ्री की पावर एन। इस माइनस को आप पावर से बाहर नहीं निकाल सकते, उसकी वजह है कि आपको नहीं पता एन यहाँ पे एन इवन है या ऑड है, क्योंकि एन अगर इवन होगा तो माइनस को आप इग्नोर कर सकते हो, और अगर एन ऑड होगा तो माइनस को बाहर निकालना पड़ेगा, लेकिन आपको एन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, आपको जस्ट जनरल टर्म निकालनी थी, तो यहाँ पे आपने जनरल टर्म जो है वो निकाल ली। तो फर्स्ट आपने ए और आर निकाला, उसके जरिए से आपने जनरल टर्म मालूम कर ली, सर बुक ने ये वाला आंसर लिखा हुआ। अच्छा, इसको ना उन्होंने सिंप्लीफाई भी किया, भाई एक नई चीज सीख लो, अगर मतलब कोई खास नई चीज नहीं है, उन्होंने इस चीज को इस तरह भी लिखा हुआ है और इस तरह भी लिखा हुआ है, एक ही बात है, मतलब माइनस को उन्होंने सेपरेट किया हुआ है। अगर आप देखो ये जो माइनस है, माइनस के ऊपर भी पावर एन है और टू अपॉन थ्री के ऊपर भी पावर एन है, तो उन्होंने अलग अलग कर दिया, माइनस वन के ऊपर भी पावर एन लगा दी और टू अपॉन थ्री के ऊपर भी पावर एन लगा, क्योंकि माइनस के ऊपर भी ये दोनों के ऊपर पावर है ना, मजीद भी आप अलग कर सकते हो, आप इस एन को टू के ऊपर भी लगा सकते हो, एन को अलग से थ्री के ऊपर भी लगा सकते हो, लेकिन काइंड ऑफ बेवकूफी हो जाएगी। तो हमने साइन वाला जो था ना, मतलब माइनस जो है वो साइन डिसाइड कर रहे हैं यहाँ पे, उस वाले को अलग किया हुआ, टू अपॉन थ्री को अलग किया हुआ, तो इस तरह भी आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर फोर तो हो गया था, फाइव सिक्स हंड्रेड रह गए। अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज क्लियर कर दूं, ये ज्यादातर तो सेकेंड ईयर में एक जगह पे बच्चों को मैंने बताना था चैप्टर एट के अंदर, लेकिन आप लोग फर्स्ट ईयर के बच्चों एक चीज ध्यान में रखो, तो बेसिक सी चीज है लेकिन फर्क है इसके अंदर भी, कि जब आप चीजों को एक साथ सॉल्व करते हो ना तो मतलब आपको बेहतर पता होना चाहिए उसका,
क्या मैंने बात बोली है कि फॉर एग्जाम्पल आपने देखा था ना आर की वैल्यू प्लस माइनस टू अपॉन थ्री आ रही थी। ये बहुत छोटी सी बात है लेकिन कहीं ना कहीं मसला कर सकती है। मैं आप लोगों से सवाल पूछूंगा कंफ्यूज हो गए क्या बोल दिया सर ने, लेकिन इसका मतलब ये भी बन सकता है जब आप एक साथ सॉल्व करते हो ना। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन थी ना, ए आर इज इक्वल टू फोर अपॉन नाइन, आपने यहाँ पे आर की वैल्यू पुट की प्लस माइनस टू अपॉन थ्री। सिंपल कॉन्सेप्ट क्या था कि कैंसिल हो गया आपस में, ये कॉन्सेप्ट था कि यहाँ पे प्लस माइनस ए मौजूद है और यहाँ पे टू अपॉन थ्री मौजूद है, यही कॉन्सेप्ट है ना। तो आप इसको अगर टेक्निकल तौर पे समझना चाह रहे हो कि प्लस माइनस को वहां पे कैसे शिफ्ट करवाया, तो आप इसको इस तरह समझ लो कि मैंने इक्वेशन के दोनों तरफ प्लस माइनस से मल्टीप्लाई करवा दिया, यहाँ पे भी प्लस माइनस से मल्टीप्लाई करवा दिया, यहाँ पे प्लस माइनस से मल्टीप्लाई करवा दिया। अब होगा क्या, प्लस से प्लस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा, इग्नोर कर दो, नेगेटिव से नेगेटिव मल्टीप्लाई होके ये भी प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे जस्ट प्लस ए बच जाएगा जिसको लिखने की जरूरत नहीं है, और यहाँ पे प्लस माइनस टू अपॉन थ्री आ जाएगा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जब आप प्लस माइनस एक साथ पुट करते हो ना, अलग अलग अगर आप सॉल्व नहीं कर रहे, आप एक साथ वैल्यूज पुट करके डायरेक्ट ए की वैल्यू निकाल रहे हो, तो आर का ये आंसर है और ए का ये आंसर है। अब इसका मतलब आपको पता होना चाहिए, इसका डिफरेंट मतलब भी बन सकते हैं। इसका एक मतलब ये भी बन सकता है कि बच्चे समझ सकते हैं कि आर की वैल्यू टू अपॉन थ्री और ए की वैल्यू माइनस टू अपॉन थ्री, इसी तरह आर की वैल्यू माइनस टू अपॉन थ्री, ए की वैल्यू टू अपॉन थ्री, मतलब यहाँ पे चार पॉसिबिलिटी बना सकते हैं। चार पॉसिबिलिटी कैसे बनेंगी, या तो आर और ए दोनों की वैल्यू पॉजिटिव ले लो आप, या आर और ए दोनों की वैल्यू नेगेटिव ले लो, या इस तरीके से आप कर लो। ये दो एंड की भी दो पॉसिबिलिटी लिखी है कि एक पॉजिटिव कर लो एक नेगेटिव कर लो। तो ये जो मतलब है ना, ये यहाँ पे ठीक नहीं होगा, ये कहीं जगह जाके आपके काम आएगा, वहां पे कॉन्टेक्ट डिफरेंट होगा, वहां पे चार चीजें रिप्रेजेंट हो रही होंगी, लेकिन यहाँ पे चार चीजें रिप्रेजेंट नहीं हो रही, यहाँ पे जस्ट ऊपर के जो दो कॉन्सेप्ट है ना यही यूज होंगे। वो आपको उस वक्त समझ आएगा जब आप अलग अलग पुट करोगे, कि जब आप आर की पॉजिटिव वैल्यू पुट करोगे तो ए पॉजिटिव आएगा, दोनों पॉजिटिव आ रहे होंगे, और जब आर की नेगेटिव पुट करोगे तो ए भी नेगेटिव आएगा, मतलब दोनों नेगेटिव आ रहे हैं। तो एक साथ सॉल्व करने में ना ये कंफ्यूज नहीं कर देना कि इसकी कोई एक पॉजिटिव ले लो इसकी नेगेटिव ले लो, नहीं, जो एंड पे आपने जनरल टर्म निकाली है ना उसमें दो वैल्यूज आपको लेनी है ना, तो इसका ख्याल रखना ये नहीं कि आप इन दो पॉसिबिलिटी को ले लो कि एक को पॉजिटिव रखो दूसरे को नेगेटिव, इस तरह करोगे तो आंसर गलत हो जाएगा। तो ये कॉन्टेक्स्ट आपको बता होना चाहिए, कहीं जाके आप देखोगे चार मतलब बन रहे होंगे इसके, और इस सिचुएशन में यहाँ पे दो मतलब बन रहे। तो छोटी छोटी बातें जो है ये आपको पता होनी चाहिए, वरना आंसर गलत हो सकता है। अब आज क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है हाउ मेनी टर्म्स आर इन जीपी। आप यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म निकाल लिए, वैल्यूज मुश्किल है, बाकी कॉन्सेप्ट बड़ा इजी है। सीक्वेंस क्या गिवन है, 1/3, 1/12, 1/48 डॉट डॉट डॉट, 1/196608, और आपको नंबर ऑफ टर्म निकाल लिए। तो सबसे पहली बार डेटा बना लो, डेटा आपको क्या गिवन है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म है 1/3, कॉमन रेशियो है 1/4। अच्छा कॉमन रेशियो डायरेक्ट भी मैं निकाल सकता हूँ ना, 1/3 को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया कि 1/12 आया, तो 1/3 को 1/4 से करोगे तो 1/12 आ जाएगा, तो इस तरह भी मैं निकाल सकता हूँ, वरना आप लोग दो टर्म को डिवाइड करके देख लो, ठीक है, तब भी आपको मिल जाएगा आर 1/4। और जो जनरल टर्म है, अगर आप देखो जनरल टर्म आपको यहाँ पे गिवन है 1/196608, और निकालनी क्या है आपको, नंबर ऑफ टर्म निकालनी है, एन निकाल लो। तो बहुत इजी फॉर्मूला है इसका, जनरल टर्म आप लोगों को पता है, उसमें वैल्यूज आप लोगों ने पुट करनी है, एन की जगह आप पुट कर दोगे 1/96608, फर्स्ट टर्म यहाँ पे है 1/3, कॉमन रेशियो है यहाँ पे 1/4, इस तरीके से आप सॉल्व करोगे। तो सबसे पहले जो 1/3 है, मतलब 3 डिनोमिनेटर के अंदर है, तो वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 डिवाइडेड बाई वैल्यू कैलकुलेटर में सॉल्व करो, तो कैलकुलेटर आपको आंसर देगा 1/96608। तो कैलकुलेटर आंसर दे रहा है 1/65536, जब आप 3 को मल्टीप्लाई करवा दोगे, और राइट हैंड साइड पे क्या बच जाएगा, 1/4 की पावर एन माइनस 1, ये बच जाएगा। उसके बाद मजीद आप इसको अलग कर सकते हो, लेकिन एक चीज ध्यान में रखो, ये जो हम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं ना, याद रखो जब भी जो अननोन है ना, जो आपको निकालना होता है उसको अननोन आप कहते हो, अगर वो पावर में मौजूद है, एक तो होता है ना अननोन नीचे मौजूद है, एन जो है वो कहीं मल्टीप्लाई हो रहा हो, जैसे आप अरिथमेटिक को सॉल्व करते थे तो एन मल्टीप्लाई होना होता था, कर लिया करते थे, लेकिन जब जिसको आपने मालूम करना है और वो पावर में मौजूद है, तो दो ही मेथड होते हैं,
या तो आप लॉग लेते हो वहां पे, लॉग के जरिए सॉल्व करते हो, या आप बेसिस सेम कर लेते हो दोनों तरफ। लॉग वाला मेथड थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, हम क्या करते हैं बेसिस सेम कर लेते हैं। तो अगर इसकी बेस 1/4 है तो किसी तरह इसकी बेस भी 1/4 होनी चाहिए। आपके पास कैलकुलेटर है, आप लोग देखो क्या 4 की कोई ऐसी पावर है जिस पे आपको ये आंसर मिलता है, जरा चेक कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल 4 की पावर अगर आप 6 निकालो तो है वो तो बहुत छोटी आ रही है, 4 की पावर 10 निकालते हैं ये बहुत बड़ी आ रही है। हाँ ये 4 की पावर 8 है, अगर आप कैलकुलेटर में सॉल्व करोगे तो 4 की पावर 8 है। तो मैं इस पूरी चीज को ऐसे लिख सकता हूं, क्योंकि देखो 1 की पावर 8 हो उसपे तो आंसर 1 ही आएगा, उसको तो कोई मसला नहीं आएगा, जबकि 4 की पावर 8 हो तो आंसर क्या आता है 6, 5, 5 जो भी वैल्यू आई है। उसका मतलब जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड उसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हो, और उसका फायदा बेशक इसको 2 की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आप इसको 2 की पावर बनाना चाहो तो ये 2 की पावर 16 हो जाएगी, 2 की पावर 16 का आंसर ये होता है। लेकिन आपका मकसद अभी बनाना है किसी तरह 1/4 लाना है, तो 1/4 लाने के लिए आपने इसको इस तरीके से लिख दिया। अब अगर आप देखो बेसिस सेम है दोनों तरफ, अलजेब्रा में रूल था कि जब दोनों तरफ इक्वेशन के बेसिस सेम हो तो इसका मतलब पावर्स भी उनकी सेम होती है। तो यहां से आ जाएगा 8 बराबर है एन माइनस 1 के, और एन की वैल्यू यहां से 9 मिल जाएगी। इस तरीके से आप नंबर ऑफ टर्म निकालोगे। इसका मतलब ये जो टर्म है ना ये 9th टर्म है, अगर आप इस सीक्वेंस को आगे बढ़ाते जाओ ना तो जो इसके 9th टर्म होगी वो ये होगी। ठीक है, अब हमारे एंड पे अच्छा एक सवाल, एक टॉपिक रह गया जो आपने अरिथमेटिक में ही पढ़ा था, उसको मैं बता देता हूँ कल की क्लास में। सर सॉरी टू इंटरप्ट, मगर जो पिछला सवाल है आप मुझे बता दीजिए इसमें आर कैसे आया। मैं आर कैसे आया भाई, डिवाइड करके देख लो ना आर कैसे निकाल, तो डिवाइड कर दो। सर 3 सर 3 12 को डिवाइड किया 4 आ रहा है, मगर 12 को 48 से करें तो 0.5 आ रहा है। इसका आंसर क्या आ रहा है तुम्हारा? सर 4 आ रहा है, 4 आ रहा है, ये तो 4 है। 4 नहीं 1/4, जब कैंसिल करोगे चीज नीचे तो 1 हो गया ना, ऊपर ये 1/4 है, ये आएगा। अभी बेसिक मैथ का क्या ठीक है, इसी तरह 1/48 को डिवाइड करोगे 1/12 से तो 1/4 ही आएगा। अच्छा टॉपिक आपने पढ़ा था अरिथमेटिक के अंदर के आपके पास कुछ सवाल होते थे जिसमें आपको लेट करना पड़ता था कि यार 3 नंबर्स को आप लेट करो या 4 नंबर को लेट करो, ये अरिथमेटिक में आपने पढ़ा था। मैंने कहा था सेम टॉपिक ज्योमेट्रिक में भी आएगा, और उसका सवाल अभी अगला यही है कि अगर आपको बोला जाए 2 नंबर जीपी के अंदर है, या आपको बोला जाए कि 4 नंबर जीपी के अंदर है तो आप कैसे लेट करोगे। ये है इवन नंबर्स को लेट करने का तरीका। इसी तरह अगर ऑड नंबर आपसे पूछ लें यार लेट करो तीन नंबर्स का आपको बोलते हैं, या अगर आपको बोले कि लेट करो 5 नंबर्स इन जीपी, आप लोगों के लेवल पे ज्यादा से ज्यादा अगर आए तो यही सवाल आएंगे। लेकिन मैं एक जनरल रूल बताऊंगा जो कि 7 के ऊपर भी वैलिड है, 9 के ऊपर, जितने भी नंबर लेट करने होंगे उन पर वैलिड है, लेकिन तो बड़े आते नहीं है। तो आप कैसे लेट करते हो, अरिथमेटिक का मैंने वहां सिखा दिया था, अब ज्योमेट्रिक का देख लो कि जब आपको 2 नंबर लेट करने होंगे ना जीपी के अंदर तो आप लेट करोगे यहाँ पे a/r, इन 2 नंबर्स को आप लेट करोगे। अगेन वहां पे भी रीजन बताई थी कि हम इनको इस तरीके से ही लेट क्यों करते हैं, उसकी वजह है कि सिंप्लीफिकेशन में आपको काफी आसानी मिलती है। अभी जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो उसमें भी आप देखोगे सिंप्लीफिकेशन बड़ी आसान होगी, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन आपको गिवन होगी कि यार 3 नंबर जीपी के अंदर थे उनको हमने मल्टीप्लाई किया, या 2 नंबर जीपी के अंदर थे हमने मल्टीप्लाई किया। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आर और आर कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्ट ए आ जाएगा। वरना आप 2 नंबर जीपी के अंदर ये भी लेट कर सकते थे, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होगा ना, आपकी कैलकुलेशन मुश्किल होगी। तो हमने कौन से 2 नंबर लेट करने हैं जो हमारी कैलकुलेशन को आसान दे, आसान करे, क्योंकि आफ्टर ऑल आपने जनरलाइज बात ही करनी है ना। मैं ये भी लेट कर सकता हूँ ए आर इज क्यूब और ए आर 4, ये 2 नंबर भी जीपी के अंदर है, या मैं यहाँ पे ए आर 10 कर लू, मैं बोलू कॉमन रेशो यहाँ पे आर की पावर 7 है, मैं कुछ भी लेट कर सकता हूँ। लेकिन आपने वो लेट करने जो आपको कैलकुलेशन में हेल्प करें, तो दैट्स व्हाई इसमें कॉमन रेशियो जो है आर स्क्वायर के बराबर है। जब आप इस टर्म को आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो ए आर आएगा। ठीक है, तो यही क्यों लेट करने की वजह बता दी कि आपकी कैलकुलेशन काफी आसान है। अब अगर आपके पास आते हैं 4 नंबर जीपी के अंदर लेट करो तो 2 तो यही रहेंगे a/r, चूंकि यहां पे जो कॉमन रेशियो है वो आर स्क्वायर है,
तो ए आर को आप आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा ए आर क्यूब। इसी तरीके से यहां पे हो जाएगा ए अपॉन आर क्यूब। तो अगर आपको बोला जाए चार नंबर जीपी में लेट करो तो इस तरह लेट करोगे। अब अगर बोला जाए कि छह नंबर जीपी के अंदर लेट करो तो ए आर की पावर 5, ए अपॉन आर की पावर 5, इस तरह आप लेट करते जाओ, सवाल आपका उत्तर जाएगा। तो इवन नंबर्स जीपी के अंदर लेट करने का तरीका होता है। अब ऑड नंबर पे आ जाओ, ऑड नंबर में आपने स्टार्ट करना होता है ए से। अब अगर आपको तीन नंबर लेट करना है तो आप लिखो ए आर और यहां पे लिखो ए अपॉन आर। इसमें कॉमन रेशियो जो है वो आर की बराबर ही है। इसको आर से मल्टीप्लाई करो ये आएगा, इसको आर से मल्टीप्लाई करो ये आएगा। तो तीन नंबर आपने जीपी के अंदर लेट कर दी। अब अगर पांच नंबर लेट करना है तो कोई मसला नहीं है, स्टार्ट ए से करो, यहाँ पे ए आर, यहाँ पे ए अपॉन आर, इसी तरह यहाँ पे ए आर स्क्वायर, यहाँ पे ए अपॉन आर स्क्वायर, इसमें भी कॉमन रेशियो आर के बराबर। अब अगर आपको सात नंबर लेट करने होते हैं तो ए आर क्यूब, ए अपॉन आर क्यूब, इस तरीके से लेट कर लेते। तो ये तरीका होता है नंबर लेट करने का जीपी के अंदर। तो ये कैलकुलेशन आपकी काफी आसान कर देंगे, ये इनका फायदा है। बाकी तो आप कुछ भी लेट कर सकते हो, वो कैलकुलेशन को मजीद मुश्किल कर देंगे। ठीक है, अब आ जाओ, ये सवाल करवाने का मकसद क्या था, क्योंकि जो हम अगला क्वेश्चन करने लगे हैं उसमें आपको आसानी होगी। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है फाइंड थ्री कंसेक्यूटिव नंबर्स इन जीपी, मतलब तीन नंबर्स आपने जीपी के अंदर लेट करने, सॉरी मालूम करने, हुज सम इज 39 एंड देयर प्रोडक्ट इज 729। यहां पे आपने पहले प्रोडक्ट की कंडीशन सॉल्व करनी है, क्योंकि जब मल्टीप्लाई करोगे डायरेक्ट ए की वैल्यू आ जाएगी। तो प्रोडक्ट की पहले सॉल्व करना, फिर सम की सॉल्व करना, वरना सम की सॉल्व करोगे उसको इक्वेशन नंबर 1 क्या दोगे, फिर बाकी सॉल्व करोगे। बेहतर है प्रोडक्ट पहले सॉल्व कर लो ताकि डायरेक्ट वैल्यू आ जाए। तो आप लिखो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर, लेट द रिक्वायर्ड थ्री नंबर्स इन जीपी आर। जीपी के अंदर तीन नंबर जो आप लेट करोगे वो क्या होंगे, ए एफ ऑन आर, ए और ए आर, ये आपको मालूम करने हैं। आपको बेसिकली तीन नंबर मालूम करने थे ना, तो ये आपने लेट कर लिए। अब आपकी सारी कोशिश है किसी तरह ए और आर आ जाए। अगर आपके पास ए और आर आ गया तो आपके पास तीनों नंबर जीपी के अंदर आ जाएंगे। अब ए और आर निकालने के लिए आप यहां पे कंडीशंस का इस्तेमाल करोगे। जरा सॉल्यूशन पे आओ, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशंस। कंडीशंस क्या है, सबसे पहले प्रोडक्ट की इस्तेमाल करोगे, प्रोडक्ट जो है 729 के बराबर है। तो आप क्या करो, इन तीनों नंबर्स का प्रोडक्ट 729 के बराबर रखो। तो ए अपॉन आर मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई ए आर को बराबर रखो 729 के। यहां से आर और आर कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा ए क्यूब। ए की वैल्यू निकालने के लिए आप निकालोगे 729 का क्यू रूट। जो 729 है ना वो 9 का क्यूब होता है। 9 का जब आप क्यूब करते हो ना, 9 का स्क्वायर 81 होता है और 9 का क्यूब जो है वो 729 होता है। एक सेकंड वेरीफाई करना, तो मुझे भी 9 का क्यूब। तो जब 729 का क्यूब रूट लोगे तो आपके पास 9 आ जाएगा। तो यहां से आपके पास ए की वैल्यू आ गई। ये फायदा होता है इन नंबर्स को लेट करने का, डायरेक्ट आर कैंसिल ए आ गया आपके पास। कितनी आसान हो जाएगी आपकी कैलकुलेशन। अब ए आ गया, दूसरी कंडीशन से अब आर निकालो और फाइनली आपके पास तीन नंबर आ जाएंगे। आप लोग ने पेपर में नीचे नीचे ही करना है, ठीक है, इस तरह नहीं करने लग जाना। अब दूसरी कंडीशन का इस्तेमाल करो कि सम जो है वो 39 के बराबर है। आप तीनों नंबर्स को ऐड कर दो, ए अपॉन आर प्लस ए आर इज इक्वल टू 39। अगर आप देखो तीनों टर्म में ए कॉमन आ रहा है तो ए को कॉमन ले लेते हैं। पहली टर्म से बचेगा 1 अपॉन आर, दूसरी में से 1 बच जाएगा, तीसरी में से आर बच जाएगा। इस ए को जाके वहां पर डिवाइड कर दो। तो या अच्छा दो काम करो, पहले तो यहां सिंप्लीफिकेशन कर लो। यहां पे इन तीनों टर्म को सिंप्लीफाई करो तो आपके पास आंसर क्या आएगा। पहली बात एलसीएम तो आर है, यहां पे वन आएगा, आर को वन से मल्टीप्लाई करो आर, आर को आर से मल्टीप्लाई करो आर स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो ये सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी। इस ए को जाके वहां पे आप डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 39 अपॉन ए, और साथ साथ वैल्यू भी पुट कर दो तो 39 अपॉन 9। अगर पेपर में आप लोगों को डायरेक्ट इतनी कैलकुलेशन नहीं आती तो पहले स्टेप में आप ए को डिवाइड करवाना, फिर नेक्स्ट स्टेप में ए की वैल्यू पुट कर देना, ठीक है। अब आपको इस इक्वेशन से, अगर आप देखो ए की अननोन है यहाँ पे आर, बस उसी इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है और आर की वैल्यू निकालनी है।
क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, नाइन को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो आर को वहां पे, फिर हो जाएगा नाइन नाइन आर, नाइन आर स्क्वायर, और इस आर को वहां जाके मल्टीप्लाई कर दो 39 आर। अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही होगी, 39 आर को इधर ले आओ, नेगेटिव हो जाएगा, तो 9 आर और माइनस 39 आर, ये हो जाएगा माइनस 30 आर, और ये 9 अपनी जगह पे मौजूद है। मिडिल टर्म ब्रेक अगर आपको समझ आ रही है तो कर लेना, अगर मिडिल टर्म ब्रेक ना समझ आए तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जिंदाबाद, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के आपने सॉल्व करना है, कैलकुलेटर से नहीं निकालना, कोई एतराज कर सकता है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का इस्तेमाल करके आर की यहाँ पे दो वैल्यूज निकाल देना, ठीक है, या कैलकुलेटर से भी आप मिडिल टर्म ब्रेक कर सकते हो, वो भी मैंने एक जमाने में बताया था, अब बार बार बताऊंगा टाइम ज्यादा होगा, तो खैर आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सॉल्व कर लेना, मैं कैलकुलेटर से जल्दी सॉल्व कर लेता हूँ। 9 माइनस 30 और 9, तो बच्चों एक आंसर यहां पे आ रहा है आर की वैल्यू 3, और एक आंसर आ रहा है आर की वैल्यू 1/3। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आंसर आएंगे ऑब्वियसली, ये दोनों आर की वैल्यूज आ गई, आपके पास ए भी आ गया, आपके पास आर भी आ गया, अब वक्त आ गया नंबर्स मालूम करने का, क्योंकि असल काम तो वही था, ए और आर का वेट कर रहे थे आप, वो आ गए तो आप किस चीज का इंतजार है, आपको डायरेक्ट नंबर निकालते हैं। तो आप लिखो हेंस 3 नंबर्स इन जीपी आर, 3 नंबर जीपी के अंदर उनको जरा मालूम करते हैं। अब देखो ए की तो ए की वैल्यू, लेकिन आर की दो वैल्यू है, तो सबसे पहले आप ए की वैल्यू पुट करो, व्हेन ए इज इक्वल टू 9 एंड आर इज इक्वल टू 3, ए की 9 और आर की 3 वैल्यू आप पुट करो और नंबर मालूम करो, यहां पे ए की जगह आप 9 पुट करो और आर की जगह पे 3 पुट करो, दूसरा नंबर था ए के बराबर, ए जो है वो तो 9 है, और तीसरा नंबर है ए मल्टीप्लाई आर, मतलब 9 मल्टीप्लाई 3, तो 3 नंबर हो जाएंगे 3 9 27, एक ये भी इसका आंसर है। इसी तरीके से आप लिखना व्हेन ए इज इक्वल टू 9 एंड आर इज इक्वल टू 1/3, सॉल्व करना, आपके पास 3 नंबर याद होंगे 27 9 3, यहां पे आपने ए पुट किया 9 और आर पुट किया 1/3, तो ये पुट करने के बाद ये 3 नंबर आ रहे होंगे। देखो अगर तो सिंपल आपको बोला जाता ना कि 3 नंबर मालूम करो, तो वहां पे तो ये दोनों एक ही आंसर माने जाते, क्योंकि 3 नंबर तो 3 9 27 ही है ना, लेकिन यहाँ पे बोला होता 3 नंबर जो जीपी के अंदर मौजूद है, जब जीपी हो जाती है ना तो फिर ऑर्डर मैटर कर रहा होता है, ये एक अलग जीपी है और ये एक अलग जीपी है, इसका कॉमन रेशो 3 है, इसका कॉमन रेशो 1/3 है, तो दोनों आपके यहाँ पे राइट आंसर है, तो ये नंबर्स भी आ गए। अब अगर आप चेक करना चाह रहे हो कि आपने ठीक किया है सवाल, तो आप चेक भी कर सकते हो, आप इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करो 729 आना चाहिए, और तीनों नंबर्स को ऐड करो 39 आना चाहिए, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है इसका मतलब आपका सॉल्यूशन बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि दोनों कंडीशन आपने सेटिस्फाई कर दी और आपका आंसर गलत आ रहा, ऐसा हो नहीं सकता, तो अगर आपका आंसर वेरीफाई हो रहा है, अपने आप को 4-5 नंबर दे देना, सवाल आपका बिल्कुल ठीक है।